नमस्कार, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। झांसी के हिस्ट्री सीटर नदीम की हत्या का आज शनिवार को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झांसी डी प्रदीप कुमार द्वारा पर्दाफाश किया गया। नदीम की हत्या में उसकी पत्नी व अन्य दो लोग ही निकले। प्राप्त जानकारी के अनुसार झांसी सदर बाजार थाना अंतर्गत भट्टा गांव निवासी हिस्ट्री सीटर नदीम, जिस पर विभिन्न वारदातों में 13 अभियोग पंजीकृत थे, इसकी लाश मिली थी। झांसी पुलिस ने नदीम की हत्या में शामिल उसकी पत्नी नसरीन, एक अन्य महिला सोनिया और टैक्सी चालक सेकू नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों ने नदीम की हत्या करने के पीछे की वजह यह बताई है कि कुछ समय पूर्व मृतक नदीम की पत्नी नसरीन की बहन और उसके बेटे की हत्या हो गई थी, जिसका मुकदमा चल रहा था। वह हत्यारोपियों द्वारा राजीनामा करने के लिए नसरीन को रुपयों का ऑफर दिया गया था। यह बात नदीम को पता चल गई थी और नदीम द्वारा सारा रुपया खुद लेना चाहता था, इसलिए नदीम की पत्नी नसरीन ने सोनिया व टैक्सी चालक सेखू के साथ मिलकर नदीम की हत्या की योजना बनाई तथा टैक्सी चालक सेखू से कहा कि तुम नदीम को शराब पिलाकर लाना। टैक्सी चालक सेखू ने बनाई गई योजना के अनुसार नदीम को शराब पिलाई व 4 फरवरी 2020 को जैसे ही भट्टा गांव लाया तो सोनिया ने अवैध असलहे से उसकी हत्या कर दी। नदीम की लाश पुलिस को भट्टा गांव में मिली थी तथा पुलिस उक्त हत्या के खुलासे में जुटी थी। पुलिस ने हत्यारोपियों के पास से अवैध असलहा व कारतूस भी बरामद किए हैं। दिनांक 4 फरवरी 2020 को एक घटना हुई थी, इसमें थाना सदर बाजार अंतर्गत भट्टा गांव के पास एक डेड बॉडी मिली थी। घटनास्थल का मौका मुआयना किया गया, उसे ये पता चले कि मृतक का नाम नदीम है और उसको प्रेम फंसी शूट करके मर्डर करना पाई गई है। इसी के आधार पर थाना सदर बाजार में क्राइम नंबर 19/20 अंडर सेक्शन 302 मुकदमा लिखा गया है। इसमें आज इस घटना के पीछे जो भी है उससे संबंधित 3 लोगों को गिरफ्तारी कर चुके हैं। एक सोनिया है, दूसरा शेखू है, तीसरा मृतक का पत्नी है। घटना के पीछे वजह हमने पड़ताल के दौरान और उन लोगों के जो पूछताछ में वो कन्फेस भी किया गया कि जो सोनिया है और जो मृतक का पत्नी का बहन का और उसका बेटा का 2014 में मर्डर हुआ था, इसमें भी जो अक्यूज्ड है उनके पक्ष से इनको सोनिया को और मृतक के पत्नी को एक ऑफर आई कि जो हुआ हुआ है, हम इसमें पैसे का ऑफर देंगे, आप मुकदमे के पैरवी बंद कर दीजिए, समझौता कर लीजिए। क्योंकि गरीब के परिवार है और लंबी प्रकरण चल रही है तो इसने सोचा इसमें पैसे लेके हम पैरवी बंद कर दें। यही बात मृतक नदीम के संज्ञान में आया है, क्योंकि नदीम ऑलरेडी हिस्ट्री शीट है, अपराधी किस्म का आदमी है। ये लगातार उसके पत्नी को भी प्रताड़ित करता है पैसे के लिए और मोहल्ला वाले भी बहुत इससे परेशान है। और ये बात इसके संज्ञान में आते ही मृतक द्वारा उसके पत्नी व सोनिया को धमकी दिया गया कि जो पैसे का आपको ऑफर आ रहे हैं वो मुझे ही देंगे, नहीं तो हम आपको हत्या का अंजाम देके आपको हटा देंगे। ये नसरीन का और नदीम का संबंध क्या है? नसरीन तो उनका पत्नी है, पति पत्नी है, मृतक का पत्नी है नसरीन पत्नी। तो इसके बाद पत्नी और सोनिया ने एक योजना बनाया कि ऐसे भी ये शराब किसका आदि है, इसने बहुत परेशानी हो रही है तो इसको रास्ते से हटाएंगे तो जो पैरवी वाला पैसे मिलेंगे उससे जीवन का पोषण करेंगे और ये इनसे प्रताड़न भी कम होगा। इसी योजना के तहत शेखू नाम के टेम्पो चालक से ये प्लान हुई कि वो मृतक को दारू पिला के लाएगा। इसी को फॉलो करते हुए शेखू ने अपने टेम्पो लेके मृतक को दारू पिलाया है और खेत के सामने लाया है और वहाँ सोनिया ने अपना अवैध असलाह के साथ इसको मर्डर किया गया। और जो एक्यूज्ड है सोनिया से हमने जो हत्या में प्रयुक्त असला मैं काफी बरामद कर लिया गया है, बाकी विधिक कार्रवाई। मृतक का आपराधिक इतिहास है, हिस्ट्री शीट भी है और करीब 13 अभियोग पंजीकृत है। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए झांसी से साहिद खान की रिपोर्ट।